हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शकुंस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली वाली मक्के की रोटी। मक्के का आटा यूं तो सारा साल मिलता है, लेकिन सर्दियों में नई मक्के की फसल आती है तो इसका फ्रेश आटा बहुत ही अच्छा होता है और उसकी रोटी बहुत स्वाद बनती है। हमें मक्के का आटा लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आटा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आटा रखा रहे तो ये फूल जाता है और इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने आटा ले लिया है, मक्की का आटा है, दो कटोरे लिया है। इसमें एक मीडियम साइज की मूली कद्दूकस करके डाल रही हूँ। मक्की का आटा दो तरीके का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट मुलायम, उसकी रोटी नरम बनती है, उसको गूंदने के लिए ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मक्की का आटा खुरदरा होता है उसके लिए गर्म पानी लेना चाहिए ताकि उसकी रोटी स्मूथ बने और जुड़ी रहे। इसमें डाल रही हूँ मैं एक छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन। इसको थोड़ा हथेली पे मसल के डाल लेते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेशली ग्राइंड की हुई। थोड़ा इसमें धनिया डाल लेते हैं, वो इसको अच्छा फ्लेवर भी देगा और कलर भी देगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसको गर्म पानी से गूंद लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसलिए लेना चाहिए ताकि ये ढीला ना पड़ जाए। अगर मक्के के आटे को रोटी बनाने में थोड़ी देर लग जाए तो आटा ढीला पड़ जाता है। इसका एक पोर्शन लेकर इसको हाथ के इस पार्ट से अच्छे से गूंदना चाहिए। हमारी स्मूथ डो बनकर तैयार हो गई है, तो इसमें से एक पेड़ा ले लेते हैं। मैंने ऑयल रैपर लिया हुआ है, इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे और इस पर रोटी बना लेंगे। इस पेपर पर बनाने का फायदा ये रहता है कि रोटी की थिकनेस इवन आती है और स्मूथ बेली जाती है। गरम तवे को थोड़े से तेल के साथ ग्रीस कर लेते हैं और उस पर ये रोटी डाल देते हैं। अगर आपको घी वाली रोटी पसंद है तो आप इस स्टेज पे रोटी के दोनों तरफ घी लगा सकते हैं। अगर आप ड्राई चाहते हैं तो थोड़ा सा और सेक के फिर इसको डायरेक्ट गैस पर सेक सकते हैं। ये रोटी मैं घी वाली बना रही हूँ, दूसरी डायरेक्ट रोस्ट कर दूंगी। इस रोटी को हमने हाफ कुक कर लिया, बाकी हाफ कुक हम डायरेक्ट गैस पर करेंगे। अब
अपनी पसंद के हिसाब से इसको रोस्ट कर सकते हैं और बाद में घी मक्खन जिस चीज के साथ चाहें आप खा सकते हैं। हमारी रोटी सिक कर तैयार हो गई है। हम गैस बंद कर देते हैं। हमारी मूली वाली मक्की की रोटी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको खाइए, खिलाइए। इसे आप साग के साथ, दाल के साथ, बटर के साथ, घी के साथ और चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।